आज का हमारा टॉपिक है प्लैनेट 9 के बारे में और एक्जो प्लैनेट के बारे में, ठीक है ना। अभी अभी एक प्लैनेट के बारे में बात हो रही है जिसको कहा जा रहा है कि वो हमारा जो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है, ठीक है। नौवां प्लैनेट प्लूटो था जिसको प्लैनेट का दर्जा दिया गया था बट बाद में छीन लिया गया 2006 में, ठीक है। तो अभी कहा जा रहा है कि ये प्लैनेट 9 फिर से हम खोज रहे हैं, तो देखते हैं डिटेल में ये क्या है और अभी न्यूज़ क्या आई है, इसके बारे में क्या खुलासा हुआ है। सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या हमें हमारा प्लैनेट 9 मिल चुका है या क्या बात हो गई है अभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो करंट न्यूज़ में क्या है कि अभी अभी एक बहुत ही बड़े एक्सो प्लैनेट की खोज हुई है, ठीक है, जो कि 336 लाइट ईयर्स दूर है, ठीक है। और हमारा ये जो खोज है ये कहा जा रहा है कि प्लैनेट 9 के बारे में जानकारी हमें दे सकता है जो कि हमें अभी तक मिला नहीं है। कहा जा रहा है कि ये हमारे सोलर सिस्टम के आउटर वाले हिस्से में हो सकता है, जैसा प्लूटो था, ठीक है। प्लूटो भी प्लैनेट 9 था, नौवा प्लैनेट था, लेकिन कुछ एक कंडीशन की वजह से ये बाद में डिसाइड किया गया कि नहीं, वो प्लैनेट नहीं है। तो अभी हम खोज में है कि हमें हमारा 9th प्लैनेट मिल जाए, तो इसी के बारे में कुछ डिस्कवरीज हुई है। तो एक एक्सोप्लैनेट ऐसा देखा गया है, ठीक है। ये जो एक्सोप्लैनेट है ऐसा कहा जा रहा है कि ये हमें हमारे प्लैनेट 9 के बारे में बहुत सारी जानकारी देने में मदद कर सकता है। वो कैसे, देखो ये जो एक्सोप्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के बाहर है, ठीक है, उसका नाम है HD1069 06B, ठीक है। ये इसका नाम रखा गया है। ये एक एक्सोप्लैनेट है। एक्सोप्लैनेट का मतलब क्या होता है, देखो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट है, 8 प्लैनेट है। प्लैनेट मतलब ग्रह, ठीक है, 8 ग्रह हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अगर हम कोई ग्रह ढूंढते हैं तो उस ग्रह को हम एक्सो प्लैनेट बोलेंगे। एक्सो मतलब बाहर, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर अगर कोई प्लैनेट है तो उसको हम एक्सो प्लैनेट बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही एक एक्सो प्लैनेट हमारे वैज्ञानिकों को मिला है। देखो दूसरे ग्रह में लाइफ है या नहीं ये बहुत सालों से साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, ठीक है, थीके? और उन्होंने इसी मामले में एक खोज करी है, ये जो एक्सो प्लैनेट जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया HD1069 06B, ठीक है, ये मिला है। और ये कहा जा रहा है कि ये 2 सितारों का चक्कर लगा रहा है, ठीक है। मतलब देखो जैसे हम सन के चक्कर काटते हैं ना, यानी कि हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है, उसी तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है ये 2 स्टार्स के चक्कर लगाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो एक्सोप्लैनेट है ये उन स्टार्स का एक चक्कर लगाने में 15,000 साल लगाता है। 15,000 साल एक चक्कर लगाने में, ठीक है ना। तो मतलब आप समझ सकते हो, देखो प्लैनेट होने के लिए ना, मतलब प्लैनेट का दर्जा पाने के लिए किसी भी ग्रह को क्या होना ज़रूरी है कि वो किसी स्टार का चक्कर लगा रहा हो, तो वो खूबी इस एक्सोप्लैनेट में है, ठीक है। लेकिन ये 15,000 साल लगाती है एक चक्कर लगाने में, तो सोचो उसका ऑर्बिट कितना ज़्यादा बड़ा होगा, पहली बार इतना बड़ा ऑर्बिट देखा गया है, ठीक है। और इसी तरह का प्लैनेट 9 जो है, ऐसे साइंटिस्ट मानते हैं कि प्लैनेट 9 जो है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ऐसा ही है, ठीक है, वो भी इतना ही बड़ा चक्कर लगाता है, उसका ऑर्बिट भी बहुत ही बड़ा है। अभी भी कहते हैं ऐसा, अभी तक हमको खोज हमने किया नहीं है कि हाँ है ही, बट हाँ मान रहे हैं कि प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है और वो इसी तरह का जो एक्सोप्लैनेट जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो ऐसा ही है। और ये जो एक्सोप्लैनेट है ना ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है, ये हमें पहली बार पता नहीं चला है। इसकी जो खोज है ना वो 2013 में की गई थी, ठीक है, मैगेलन टेलीस्कोप को यूज़ करके किया गया था। कहाँ पर, चिले में, ठीक है, लेस कैंपनस ऑब्जर्वेटरी है चिले में, वहाँ के रिसर्चर्स ने मैगेलन टेलीस्कोप से इस एक्सोप्लैनेट की डिस्कवरी 2013 में करी थी। लेकिन उस टाइम ये नहीं पता कर पाए थे कि इसका जो ऑर्बिट है वो कितना बड़ा है या वो ऑर्बिट कैसा है, ठीक है। और अभी हबल टेलीस्कोप जो है उसके हेल्प से इसका जो ऑथेंटिक जानकारी है वो मिला है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इसका जो मास है, ठीक है, इसका जो हिंदी में इसको द्रव्यमान कहते हैं, वो जुपिटर से 11 गुना बड़ा है। समझ सकते हो आप, जुपिटर से 11 गुना बड़ा इसका मास है, ठीक है। जब 2013 में इसकी डिस्कवरी हुई थी तब हमको पता नहीं था कि ये ऑर्बिट किसके इर्द गिर्द करता है, ठीक है, तो हमको कुछ भी नहीं पता था, 2 स्टार्स के इर्द गिर्द करता है या फिर अकेला ही ये कहीं घूम रहा है ऐसे ही, किसी भी स्टार से ये अटैच्ड है भी या नहीं, ये कुछ भी नहीं पता था। बट अभी हबल टेलीस्कोप ने ये हमको बता दिया है कि हाँ भाई 2 स्टार्स के इर्द गिर्द ये ऑर्बिट करता है।
और ये जिस स्टार के इर्द गिर्द घूमता है वो स्टार इससे बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि 15,000 साल लगाता है एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में। इतना बड़ा ऑर्बिट अभी तक पहली बार डिस्कवर किया गया है, ठीक है। ये जिन दो स्टार्स के आजू बाजू घूमता है वो स्टार्स ऐसा कहते हैं कि 1.5 करोड़ साल पुराने हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्सोप्लैनेट है ये अपने स्टार से बहुत ज़्यादा दूर है। इसकी दूरी अगर हम कंपेयर करें हमारा जो अर्थ है, अर्थ का नेचुरल स्टार किसको माना जाता है, सन को, ठीक है। वो सन के आजू बाजू घूमता है, तो अर्थ से सन की जितनी दूरी है ना उससे 730 गुना दूरी इस स्टार की, इन दोनों स्टार की और इस एक्सोप्लैनेट के बीच में है, ठीक है। मतलब 730 गुना ज़्यादा दूर है ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से। और इतनी ज़्यादा दूरी होने की वजह से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई इसको ट्रैक करने में कि ये किसके आजू बाजू घूमता है, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, ठीक है, दोनों के बीच में, मतलब स्टार और उस प्लैनेट के बीच में। तो ये बहुत ज़्यादा दूर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर से घूमता है, बहुत ज़्यादा दूर से ऑर्बिट करता है, इसीलिए हमको ट्रैक करने में इतना समय लग गया। अब देखो प्लैनेट 9 है भी या नहीं, इसमें भी एक खोज चल रही है, अभी तक मिला नहीं है, इसीलिए कई सारे प्लैनेट्स की खोज की जा रही है कि कौन सा प्लैनेट प्लैनेट 9 की तरह है, ठीक है। तो देखो प्लैनेट 9 अगर है ना वो सोलर सिस्टम जो हमारा है उसके एकदम आखिरी वाले छोर में होगा, ठीक है। जैसे प्लूटो था ना उसी तरीके से ये प्लैनेट 9 फिर से जो खोजा जा रहा है ये भी वहीं पर होगा। अभी तक ये मिला नहीं है लेकिन ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये मिल जाएगा, ये है, ठीक है। और अगर प्लैनेट 9 एग्जिस्ट करता है तो वो हमारे अर्थ से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। हमारे सोलर में कुछ एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका अजीब तरीके का बिहेवियर देखा गया, अजीब तरीके से वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं इन्होंने देखा है, रिसर्चर्स ने देखा है, इसीलिए उनको ये विश्वास है कि ये सब चीज़ें जो हो रही है ये प्लैनेट 9 की मौजूदगी की वजह से हो रही है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका जो आउटर वाला एरिया है, मतलब 8वें ग्रह के जो और आगे वाला एरिया है, आखिरी प्लैनेट कौन सा है हमारा, नेपच्यून है, ठीक है। तो नेपच्यून के जो बाद वाला जो एरिया है वहाँ पर क्या है, कुइपर बेल्ट है, ठीक है। कुइपर बेल्ट नाम का एक रीजन है जिसको ये नाम दिया गया है। तो वहाँ पर क्या है, कुइपर बेल्ट में आइसी डेब्रीज है, मतलब बर्फ़ की जो डेब्रीज, मतलब कचरा होता है, ठीक है ना, तो वहाँ का कचरा कुछ अलग समझ सकते हो आप। तो आइसी डेब्रीज है वहाँ पर कुइपर बेल्ट में, तो उस वाले एरिया में ये कहा गया है कि वहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बहुत ही अजीब तरीके से, जो कि प्लैनेट 9 की मौजूदगी की वजह से ही हो सकता है और कोई भी कारण इसका नहीं हो सकता, ठीक है। 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने एक और चीज़ का पिक्यूलियर बिहेवियर दिखाया था, बताया था कि अजीब सा एक बिहेवियर है इस चीज़ का भी, इस ऑब्जेक्ट को नाम दिया था 2015 BP519। ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी हमारे सन को ही ऑर्बिट करता है, मतलब हमारे सन के चारों तरफ ही घूमता है, लेकिन इसका जो टिल्ट है, इसका जो झुकाव है वो 54 डिग्री है, एक्सट्रीम टिल्ट है, जो कि हमारे अर्थ या कितने हमारे जो 7 प्लैनेट्स हैं, अर्थ को छोड़कर जो 7 और प्लैनेट्स हैं, इनसे अगर कंपेयर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टिल्ट है, ठीक है। तो ये जो टिल्ट है इसका, ये भी बताया जा रहा है कि ये भी प्लैनेट 9 की वजह से ही है, प्लैनेट 9 ज़रूर है, इसी वजह से ये टिल्ट इतना ज़्यादा है, ठीक है, एक्सट्रीम है। अब देखो जिस प्लैनेट 9 की हमारे एस्ट्रोनॉमर्स खोज कर रहे हैं और ये जो नया एक्सोप्लैनेट डिस्कवर किया है, इनमें क्या है, क्या चीज़ें समानता है, दोनों ही प्लैनेट बहुत दूर हैं, ठीक है। प्लैनेट 9 अगर है हमारे सोलर सिस्टम में तो वो भी सन से बहुत ज़्यादा दूर है, कुइपर बेल्ट के पास में है, मतलब कुइपर बेल्ट कहाँ है आप समझ रहे हो ना, नेपच्यून के और आगे, ठीक है, तो वहाँ पर होगा प्लैनेट 9। इसी तरीके से ये जो एक्सोप्लैनेट है ये भी अपने स्टार से बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। जैसा हमारा सन है, सन से हमारा जो प्लैनेट 9 होगा वो बहुत ज़्यादा दूर होगा, ठीक है, उसी तरीके से ये जो एक्सोप्लैनेट है ये भी अपने जो स्टार्स के चक्कर लगाता है उससे बहुत ज़्यादा दूर है। और दोनों ही अगर प्लैनेट 9 है तो वो भी स्टार्स के एक्सट्रीम टिल्ट से, मतलब बहुत ज़्यादा झुका हुआ है और अपने स्टार्स के आजू बाजू घूमता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा झुका हुआ होगा अगर प्लैनेट 9 होगा। ये जो एक्सोप्लैनेट की खोज की गई है ये भी बहुत ज़्यादा झुका हुआ है, बहुत ज़्यादा टिल्ट है इसमें और ये अपने स्टार के आजू बाजू घूमता है। दोनों ही अगर प्लैनेट 9 है तो ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। और जो एक्सोप्लैनेट है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये कितना ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। प्लैनेट 9 कहा जा रहा है अगर वो है तो वो अर्थ से 10 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। और ये जो
एक्सोप्लैनेट है, ये हमारा जो जुपिटर है उससे 11 गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये जो समानताएं हैं ये हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने खोजी है और कहा है कि ये जो एक्सोप्लैनेट नया खोजा गया है HD 106906b, ये और हमारा जो प्लैनेट 9 जो हम अभी खोज रहे हैं, इन दोनों में ये सारी समानताएं होंगी, ठीक है। और बहुत जल्द हमारा प्लैनेट 9 हमें मिल जाएगा। खैर अभी 8 प्लैनेट है तो उनके बारे में ही पढ़ लो, खुश रहो, क्योंकि प्लैनेट 9 आ गया तो फिर और ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। खैर जो भी है, आज का हमारा जो टॉपिक था वो इतना ही था, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या बता भी सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।